एक के बाद एक, एक के बाद एक, पांच पांच झटके अरविंद केजरीवाल के। आपका क्या होगा जनाबे आली? भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जो पार्टी जन्मी, आज भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी है। मुखिया, संयोजक, मुख्यमंत्री जेल में है, राहत मिल नहीं रही। हाईकोर्ट से लेकर के सचिव तक की नौकरी चली गई। पार्टी का सबसे बड़ा नेता ही तिहाड़ में। पार्टी के अस्तित्व और भविष्य पर अब सवाल उठने लगा है। एक एक करके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। एक एक गुजरते दिन के साथ पार्टी सिमटती जा रही है, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भले ही संजय सिंह जेल से आ गए हों, लेकिन अभी जेल में तीन बड़े नेता, यूं कहें कि एक तरीके से बैकबोन आम आदमी पार्टी की, वो अब भी है। केजरीवाल जल्द से जल्द बाहर आना चाहते हैं, लेकिन हाईकोर्ट की टिप्पणियों ने कई सवाल पैदा कर दिए। अब 15 अप्रैल को देश की सबसे बड़ी अदालत, देश की राजधानी दिल्ली के सीएम का फैसला क्या करेगी, 15 अप्रैल को पता लगेगा। लेकिन जितनी तेजी से आम आदमी पार्टी उभरी, उतनी ही तेजी से इसका ग्राफ गिरा। क्यों यह सिमट गई? एक एक करके क्यों साथी छोड़ते चले गए? तो इन्हीं सवालों पर करेंगे देश का सवाल। पहले ये बयान, हर इंसान संजय सिंह नहीं हो सकता, हर इंसान मनीष सिसोदिया नहीं हो सकता, हर इंसान सत्येंद्र जैन नहीं हो सकता, जो मजबूती से और हिम्मत से भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार का सामना करें। पार्टी लगी हुई है, पार्टी डटी हुई है। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में आज हमारे कार्यकर्ता इस डोर टू डोर कैंपेन के लिए निकले हुए हैं। दिल्ली वाले हमारे साथ हैं, देश के लोग हमारे साथ हैं। ऑनरेबल, दिल्ली हाई कोर्ट की एक बहुत अहम जजमेंट आई है, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे के सारे सबूत देखे, हवाला ऑपरेटर्स की स्टेटमेंट्स देखी, खुद आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की स्टेटमेंट्स देखी। उन्होंने काफ़ी सारे सबूत देखने के बाद दो बातें स्पष्ट करी। पहली कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत भूमिका रही है और बहुत अहम भूमिका रही है शराब घोटाले में। दूसरा, उन्होंने कहा कि सारे सबूत देखने के बाद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी लीगल है। जो केजरीवाल जी के सहयोगी 2010 से रहे हैं, उनकी आत्मा जाग गई है और उन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ने का प्रयास करा है। केवल एक व्यक्ति है जिसका जमीर अभी तक नहीं जागा और वो है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। ईडी के सम्मनों पे नहीं जाते थे तो वो यही कहते थे, मेरे को एग्जामिन करना ईडी का मकसद नहीं है, ईडी का मकसद है अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके से गिरफ्तार किया जाए, उनके पीछे से उनके विधायकों को, उनके लोगों को तोड़ा जाए, पार्टी को ख़त्म किया जाए और दो सरकारें दिल्ली और पंजाब की गिराई जाए। आज वो चीज़ साबित होती दिख रही है। चलिए, सौरभ ये कह रहे, लगातार जो है ये सरकार गिराने की साजिश है, किस तरीके से ईडी पूछताछ करती है, 23 घंटे में दबाव में आ जाते हैं, लेकिन जब पार्टी वो छोड़ देते हैं तो पार्टी छोड़ने के बाद वो ये कहते हैं कि पार्टी में भ्रष्टाचार इतना था कि अब मेरे को पार्टी छोड़नी पड़ी। ऐसे में देश का सवाल कि सबसे बड़ी बात, एक के बाद एक झटके केजरीवाल को अगर लगे, क्या पहले ही समन से लेकर के ये पांच झटकों तक अगर जिद ना करते तो क्या आप इस हालत पर ना होती? यानी कि केजरीवाल की जिद आपको ले डूबेगी। दूसरा बड़ा सवाल, क्या केजरीवाल को सुप्रीम राहत मिलेगी 15 तारीख को, क्योंकि एकदम उसी वक्त सुनने से इनकार कर दिया था। अभी बेंच का अभी जो है वो फैसला नहीं हुआ है, लेकिन 15 तारीख को इस पर सुनवाई होनी है। तीसरा ये कि जेल से कब तक सरकार चलाते रहेंगे केजरीवाल, और चौथा, अगर केजरीवाल ने इस्तीफा दिया तो अगला सीएम कौन होगा, नंबर दो कौन होगा, क्या यह लड़ाई कुछ और है? अनुजा कपूर है हमारे साथ, बीजेपी की प्रवक्ता। हरिशंकर गुप्ता है कांग्रेस से। प्रवीण कुमार है हमारे साथ, आप एमएलए और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। अश्विनी दुबे हमारे साथ है, सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट। रास बिहारी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। सबसे पहले प्रवीण जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, वो लाइन जो सबसे पहले मैंने कही, कहीं ऐसा तो नहीं है एक के बाद एक, एक के बाद एक लोग छोड़ते चले जा रहे हैं? चलिए, आप कह रहे थे कि भाई 23 घंटे की ईडी की उस दिन की पूछताछ, और फिर वो दबाव में आ गए थे, नहीं जो है वो सहन कर पाए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि केजरीवाल जी की जिद आपको ना ले डूबे, मतलब श्रिंक होती जाएगी पार्टी ऐसे तो? फिर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का असली मकसद क्या है? भारतीय जनता पार्टी का असली मकसद है उसके इस समय के सबसे बड़े
कॉम्पिटिटर आम आदमी पार्टी को खत्म करना, सबसे बड़े कॉम्पिटिटर अरविंद केजरीवाल जी के नाम को धूमिल करना, नाम को खत्म करना, और यही जो है वो कोशिश भारतीय जनता पार्टी 2013 से लगातार यही कोशिश करती चली आ रही है। अब ये पहली बार नहीं है, एक्चुअली कई बार इससे पहले भी कई बार भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करी, क्रश करने की कोशिश करी, अपने इनसाइडर्स लगाए, लेकिन आम आदमी पार्टी ना पहले टूटी थी ना अभी टूटी है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पर राजकुमार आनंद तो राजकुमार आनंद तो नाम ही नहीं ले रहे भारतीय जनता पार्टी का। एक सेकंड मैं ये कह रहा हूँ, लगातार इन्होंने नेताओं को हमारे डरा रही है, धमका रही है, कभी किसी का ईडी भेजती है, कभी सीबीआई भेजती है, और नाना किस किस प्रकार की धमकी जो है वो परिवार तक। मैं ये कह रहा हूँ कि राजकुमार आनंद जो भारतीय जनता पार्टी ने लिमिट क्रॉस कर दी है। अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूँ राजकुमार आनंद जिन्होंने इस्तीफा दिया वो तो बीजेपी का नाम ही नहीं ले रहे। आप कह रहे हैं, सौरभ कह रहे हैं, आतिशी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी ने इनसाइडर्स छोड़े हुए हैं, और जो जब इन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें भारतीय जनता पार्टी के बॉबी जो है वो पीछे से उस फोटो में दिखाई दिए, तो लोगों ने पूछा कि आखिर ये शख्स है कौन। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके से नेताओं को परेशान कर रही है, और राजकुमार आनंद जी जिनका एक बिजनेस था उनके बिजनेस पे ईडी ने रेड करी, और उन्होंने कहा, ईडी ने कहा और ईडी के प्रेस रिलीज में ये कहा गया कि इनका पैसा जो है वो चाइना से हवाले के द्वारा मंगवाया हुआ पैसा है, और उसके बाद जो है ईडी ने इनके ऊपर जो है वो केस रजिस्टर किया। तो लगातार राजकुमार आनंद जी के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी दबाव बना रही थी, और उसी कारण से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राजकुमार आनंद जी ने इस्तीफा दिया। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इनके ऊपर नहीं, लगातार हमारे हर एक नेता के ऊपर लगातार जो है वो दबाव बना रही है, और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी लगातार तटस्थ है, आम आदमी पार्टी लगातार मजबूत है, और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जेल से लड़ाई लड़ रहे हैं, और दिल्ली की जनता जो है लगातार कह रही है कि जेल का जवाब वोट से देने के लिए पूरी दिल्ली की जनता तैयार है, ठीक, और भारतीय जनता पार्टी को एक छोटा सा काउंटर है, ये सब चीज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इतने आसान शब्दों में पूरी जो स्क्रिप्ट आपने मेरे को समझा दी, जो आपने कहा कि उनको नहीं पता लगा, जो आपके जो नेता है जो छोड़ करके गए उनसे नहीं, पीछे वो बैठे कौन थे उनका नाम जो है आपने लिया, लेकिन ये हाईकोर्ट भी तो पता, हाईकोर्ट को भी तो समझ में आई होगी ना सर, फिर तो केजरीवाल साहब बाहर होते। देखिए ये तो पीएमएलए के प्रोविजन में ही यही है, पीएमएलए के प्रोविजन के कारण जो है अरविंद केजरीवाल जी को बेल नहीं मिली है, तो सबको पता है। पांच बार वकीलों से मिलने का वक्त मांग लेना, ये कहना कि भैया ऐसा है कि वो जल मंत्री के लिए ये संदेश है, सरकार चला लेना अंदर से, ये चीजें तो असली फाइंडिंग तो ये बार आई थी ना। चलिए ठीक है, एक पैसे की वो तो जनता भी जानती है, आपको देखिए एक पैसे की रिकवरी हुई क्या इनने लगातार जो है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि क्या जिद के मारे जेल से ही सरकार चलाना चाहते हैं। केजरीवाल वापस आ जाऊंगा इसके ऊपर, अंजा आप जवाब दीजिए कि आपका मकसद यही है ईडी के थ्रू। नहीं हाँ, वापस आ रहा हूँ, मैंने आपसे तीन कमेंट लिए, तीनों काउंटर लिए, मैं वापस आ रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल की छवि को धूमिल करना, अरविंद केजरीवाल का नाम बदनाम करना, आम आदमी पार्टी का नाम बदनाम करना, ये लोग डरे हुए हैं जब से पंजाब में हमारी सरकार बनी और गुजरात में हमारे कोर्ट थोड़ा डरा हुआ है। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी जब कोर्ट ने इतने अंदर से कोर्ट की जो फाइंडिंग है, आपने हाईकोर्ट डरा हुआ है क्या? हाईकोर्ट क्या कहता है अनुजा बताइए? वो ये कह रहे हैं कि आप तोड़ रहे हैं, खत्म कर देना चाहते हैं, क्रश कर रहे हैं। जय श्री राम। आज मेरे मुसलमान भाइयों के लिए ईद है, तो पहले तो उन सबको मुबारक। बहुत अच्छा लग रहा है आज आम आदमी पार्टी यहाँ बैठकर जो बातें कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, मेरे भाई ये बताइए कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, आशुतोष, अंजलि दमनिया, अलका लांबा, शाजिया अलमी, कपिल मिश्रा, इनके ऊपर कौन सी ईडी और सीबीआई क्रिएट हुई है? इन्होंने क्यों छोड़ दिया आप लोगों को, और कहाँ है ये लोग आज? और पूछ लेती हूँ आपसे, आप सब लोग प्रचार कर रहे हैं ना आपके, तो आप बताइए कि आपके 10 लोग हैं आप राज्यसभा में, तो आप सिर्फ संजय सिंह और संदीप पाठक और एनडी गुप्ता नजर आ रहे हैं, ये राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, संजीव अरोड़ा, बलबीर सिंह, विक्रम सिंह, अशोक कुमार, कहाँ ये सब? आप यहाँ बैठकर जो दलीलें दे रहे हैं भाई साहब, वो दलीलें किसी को समझ में नहीं आएंगी। आपने अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड कहा था कि हम करप्शन फ्री आम आदमी पार्टी है, आप तो फ्रीबी के साथ करप्शन 1+1 के रूप में आ गए सर सामने।
आज जो दिल्ली हाईकोर्ट ने जो उस पे आपको और आपकी आपकी बहन कविता जी को उनको तो सीबीआई के रिमांड के साथ उसको तो अरेस्ट ही कर लिया है, तो ये भी आप देखिए। और वो अरेस्ट क्यों हुआ ये भी आपको पता है कि जब आपके दलीलों के अंदर केजरीवाल के बारे में बात हो रही थी तो व्हाट्सएप चैट बिच्चू बाबू के नाम पर जो आपस में बातें हुई है कविता के साथ, उसमें अरविंद केजरीवाल के जो ब्लू आइड है विजय नायर उसकी बात सामने आई है। आपके अदालत के अंदर आप ही का एडवोकेट इन सब हवालों से रिलेटेड जो 45 करोड़ रुपए आपने हवाला से करे गोवा में, उन्होंने उसको इनकार नहीं किया। ये जवाब आप दीजिए कि एडवोकेट ने जब ईडी सारे सबूत वहां पर दे रही थी तो अरविंद केजरीवाल के एडवोकेट वहां पर क्यों नहीं बोले ये गलत है ये झूठ है, जैसे आप क्या चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। आपने बोला था आपने अपने सेंटेंस में बीजेपी की माला कितनी बार जपी है जानते हैं? ठीक है, दो पॉइंटेड फटाफट प्रवीण फटाफट जवाब दीजिए। मतलब इतने योगेंद्र यादव से लेकर प्रशांत भूषण तक फाउंडर आंदोलन से निकली कहां चले गए? उनके पास उनके ऊपर तो कोई ईडी नहीं थी ना। और यहां पर कोर्ट क्या कह रहा है भाई, ये तो विक्टिम कार्ड खेलना हुआ ना, किस तरीके से जो है जेल में मनमानी चल रही है और किस तरीके से वो स्क्रिप्ट कैसे पहले पहुंच जाती कि कविता के पास जिसमें वो ट्रांजैक्शन का जिक्र ईडी ने पूरा जवाब दिया है ना, वो भी जनता को बताइए। देखिए तो शराब घोटाले की असली पोल जो है वो ऑलरेडी इलेक्टोरल बॉन्ड में खुल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए लिए हैं और उसकी बेल दिलवाने के बाद जो है वो उसके बाद 35 करोड़ रुपए लिए हैं, उसके गिरफ्तारी से के बाद जो है वो 5 करोड़ रुपए लिए हैं, तो पूरे मनी ट्रेल जो है वो उजागर हो चुका है देश के सामने। बच्चे बच्चे को देश में इस समय पता है कि शरद रेड्डी जो की जो है वो इसका सरगना था शराब घोटाले का, जो भारतीय जनता पार्टी ईडी कहती थी वो सरगना है, उससे पैसा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने लिया था, बच्चे बच्चे को पता है। मंगूठा रेड्डी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी से जो है एनडीए अलायंस से जो है वो चुनाव लड़ रहा है, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचित है और भारतीय जनता पार्टी ने शराब घोटाला हरिशंकर गुप्ता, ठीक है मैं हरिशंकर के पास आ रहा हूं। ये काउंटर तो है ना अनुजा भाई, मंगूठा रेड्डी किस तरीके से 55 करोड़ वाला जो अमाउंट आ जाता है, फिर उसके बाद कैसे बेल और फिर उसके बाद टिकट मिल जाता है, ये कोइंसिडेंस थोड़ी ना। और वैसे आप किंग पिन है, वैसे वो किंग पिन है। मेरी बात सुनो सचिन जी, इनसे पूछो इलेक्ट्रल बॉन्ड की मिर्ची क्यों है, इलेक्ट्रल बॉन्ड इज इन द ओपन। कांग्रेस के टाइम पर तो कुछ भी नजर नहीं आता था क्या, इन्होंने कुछ नहीं खाया, ये तो बोल रहे क्या इनको क्या मिला? शराब घोटाला, शराब घोटाला जिसने किया वो बीजेपी से टिकट कैसे, ये महज इत्तफाक है क्या? क्या बीजेपी की टिकट मिलना है नहीं मिलने वाली बात, इसके तक लाखों को टिकट बहुतों को मिली है क्या? अलका लांबा इनसे निकल के जी जबान लड़खड़ा रही है आपकी, आपके जबान लड़खड़ा रही है, मेरी कोई जबान लड़खड़ा रही है। असलियत ऐसी खुलती है, असलियत जब खुलती है ना तो आदमी सकोचा जाता है। और देखिए असलियत जो है ना सच बहुत कड़वा होता है, ये सच बहुत कड़वा है अनुजा जी, अब पता लग गया है भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस करप्शन में लिप्त है। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली हरकत जो है वो इस शराब को, ठीक है मेरे बाकी पैनलिस्ट बाकी है, एक सेकंड मैं एक एक कमेंट उनसे ले लूं। हरिशंकर गुप्ता जी आप भी मानते हैं कि भैया आप जो है हरिशंकर गुप्ता जी आप भी मानते हैं, ठीक है आपने भी सपोर्ट किया है, मोरल सपोर्ट किया है, इंडिया में साथ है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की जिद है, आप डूबता हुआ जहाज है? नहीं नहीं, ये किसी के मुंह में बात डालने वाली बात है, ये आप तो डूबता हुआ जहाज है। राजनीति में कोई डूबता है वो नेशनल पार्टी है, हमारा मतभेद है, मनभेद भी हो सकता है, लेकिन आप पार्टी केजरीवाल की पार्टी नेशनल पार्टी है, दो राज्यों में उनकी सरकार है, चार आदमी अगर टारगेट करके अगर उन्होंने बंद कर दिए, इसका मायने ये नहीं हुआ कि वो डूबता हुआ जहाज है। और अनुजा कपूर जी आपने तो मतलब ठीक है मैं बाद में आ रहा हूँ, अश्विनी ज्यादा अच्छे से बताएंगे हाई कोर्ट ने क्या कहा। अनुजा जी एक सेकंड लेकिन हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा सर? मतलब आपने देखा सर कैसे लोग एक के बाद एक छोड़ के जा रहे हैं, इनके मंत्री छोड़ के चले गए, बाकी जितने नाम थे वो है नहीं पुराने। हमने आप बोलिए, आप ही बोलिए, मेरा यही काउंटर था, उसके बावजूद मेरा तर्क ये था। सचिन जी, अनुजा कपूर जी ने जो बातें कही हैं उसमें उन्होंने राज्यसभा के लोगों के नाम लिए, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और दूसरे लोगों के जो संस्थापक सदस्य थे उनके नाम लिए, ये बेतुकी बात। नाम भी याद नहीं है। अगर वो आप पार्टी में आज होते तो वो भी अंदर होते, आज अगर वो आप पार्टी में नाम होते तो वो भी अंदर होते। इसके पीछे एक कारण बड़ा है जो आपको मैं चाहूंगा कि आप सुने उस बात। देखिए टारगेट करके की बात है, ये बोल रहे राज्यसभा, आज ईडी और सीबीआई जो है
पूरा देश मानता है कि संदेह के घेरे में है, ये जांच एजेंसियां संदेह के घेरे में है, टारगेट करके उनको 25 लोगों की लिस्ट दे दी गई कि 25 लोग देश में विपक्ष के हैं, इनके खिलाफ जानकारी हासिल करो और इनके खिलाफ केस बनाओ। अगर मैं कहता कि 25 लोग बीजेपी के भी निकाल देते और 25 लोगों की लिस्ट उनको दे देते, ये 25 लोग बीजेपी के हैं और इनके खिलाफ भी जांच करो, इनके खिलाफ भी केस बनाओ, तो बात बराबर हो जाती। अब ये टारगेट करके विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं और बीजेपी के अंदर इससे ज्यादा भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं। सर, दो दो साल पहले का शराब घोटाला है, ईडी ने बकायदा लिख के दिया अब तक की फाइंडिंग। सर वरना कहां, वरना तो राहत मिल जाती उसी वक्त, इमीडिएट सुनवाई हो जाती हर चीज पे। मेरी बात को पूरा हो जाना दीजिए। हां जी, करिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला जो स्कैम है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कैम है वो शराब घोटाले से कहीं कम नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कैम है, अगर यही स्कैम कांग्रेस के समय में हुआ होता तो आज बीजेपी जो है सड़कों पर नाच कर रही होती, सड़कों पर उपद्रव कर रही होती। इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहिए हमको कि सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हरिशंकर जी, छोटा सा काउंटर देना चाहती है अनुजा, ठीक है, क्योंकि मैंने सबको दिया इंडिपेंडेंट डिबेट का वक्त। ठीक है अनुजा, बहुत छोटा सा काउंटर, फिर उसके बाद अश्विनी जी और राज बिहारी। मुझे जहां पर लगता है कि जहां पर बार बार कहते हैं कि सीबीआई ईडी की रेड है, तो मैं आज पूछना चाहती हूं कि जो मोदी जी की जो न्यूज वीक कवर पर जो फोटो लगी है, क्या वो सीबीआई और ईडीआई की रेड इंडिया से बाहर भी हुई है? एलन मस्क जो आ रहे हैं यहां पर टेस्ला के लिए फैक्ट्री लगाने के लिए, क्या उसका भी मतलब क्या है कहने के है लातावासे है? नहीं, मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि आप जो इस बात का मतलब क्या है जो आप फालतू की बातें कर रही हैं? मतलब कुछ नहीं है। तो यहां पर आप फालतू की बातें कर रही हैं, इस बात का मतलब क्या है? अनुजा जी, समय जो है अपना आपा खो बैठी है। टीएमसी से पूछिए, टीएमसी अजाकर उनसे तो कोई बात नहीं कर रही, उनकी मोदी में जाकर इनकी आवाज ही नहीं आ रही, इनको खुद नहीं पता। जब ज्यादा आदमी, जब ज्यादा तेज आवाज हो जाती है तो कई बार